तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने श्री राधे राधे यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। और इसमें बागेश्वर धाम सरकार जो हैं बाबा जी, उनका कहीं पर प्रवचन चल रहा है, वहाँ की उन्होंने क्लिप लिया और बहुत ही सुंदर क्लिप है। और जिसमें वो एक लड़की कह रही है कि गुरुजी मेरी माताजी हर रात को सांप क्यों बन जाती हैं। ये वीडियो का टाइटल दिया है और बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। और देखते हैं इस वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार कैसे उनका हल करते हैं। और दूसरी बात ये दोस्तों कि कल वर्ल्ड कप फाइनल था और इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गई, बट कोई बात नहीं, हमारा देश है, हम हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 30-40 रन और हो जाते तो फिर ये स्कोर थोड़ा चेजिंग हो जाता, थोड़ा मैच फंस सकता था। बट कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला और कल ऑस्ट्रेलिया का दिन था, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑफकोर्स इंडिया ही जीतेगी। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। स्टार्ट। अच्छा, कहीं प्रवचन हो रहा, वहां से किसी लड़की को उठाए। अच्छा, ये तो हम जिनको बुला रहे हो सकता है हमारे आदमी हैं, शायद हो सकता है जिनकी मर्जी लगा रहे हैं उनको पहले दे दिया। ये जो बाबा जी पर इल्जाम लगाते हैं ना कई लोग, ये अपने ही लोग बिठा देते हैं और फिर उन्हीं को बताते हैं और उनके बारे में पहले पता होता है, इसके बारे में उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या बात है, जय। यहाँ तक तो हो सकता कि ऐसा है नहीं, खैर बहुत लोगों ने शोध किया हम पर, हमारे स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी हम पर्चा लिखेंगे बिफोर टाइम, पहले से पूरा। अब वो क्या बोलेगा, क्या बात बोलेगा, ये भविष्य पर निर्भर है। 2.5 लाख लोगों में पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, आप जिसको लाएंगे उसका पर्चा निकलेगा। ये इन्होंने चैलेंज किया क्या, कैसे होगा लगाना अपनी बुद्धि, या फिर ये रिपोर्टर हैं। अभी आप माइक लो, कहाँ से हो, अरे वाह, काशी विनोदा जी के पास रहते हैं। अच्छा, अभी इनका पर्चा बना रहे हैं कुछ लोग हैं, वो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये इनके खुद के होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। घर पर कृपा होगी, माँ स्वस्थ होगी, दरबार में जॉब की अर्जी लेकर आप आई हैं, मनोरथ पूर्ण होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शांति बनी रहेगी, आशीर्वाद। अरे यार, क्या बात है, पहले मन की बात, जो व्यक्ति जो दिक्कत लेके आए हो पहले लिखते हैं। एक्टर बनेगा, अभी कमजोर है, तैयार हमें पता था हमें पता था अच्छा, अभी मत भेजो भाई को। ओके, मां को लाना है। अच्छा, क्या बात है यार, अरे सबको जाना चाहिए यहाँ तो। क्या बात है बाबा जी, हनुमान जी की कृपा है इनके ऊपर यार, मुझे तो लगता है बिल्कुल कृपा है इनके ऊपर हनुमान जी की। तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना
नहीं है, मतलब गुरु ज्ञान वाला, तांत्रिक गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, गुरु बनाओ, एक बनाओ जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, जिससे बिल्कुल भजन प्राप्त हो। ऐसे बुला क्यों रो रहे हैं, खुद रहे हैं, रोते थोड़ी, देखो हनुमान जी की लीला, कौन रो रहा है? अच्छा, जिनको बुलाया वो रो रही है। क्या बात, कुछ ज्यादा ही कष्ट लग रहा है इनको, दोनों बहनें बहुत दुखी लग रही हैं, और ये क्या तो खुशी में रो रही हूँ। ऐसा क्या क्या परिवार में सब हड़प लिया, भूत बाधा का प्रभाव शरीर पर कर दिया, कृपा होगी तंत्र कटेगा, आप जो अर्जी लेकर आए हैं भूत विद्या कट जाए, पागलपन ठीक हो जाए, दिमाग ना चढ़े, सवारी ना बने, वो उल्टे उठपटांग हरकतें में विचार न आवे, वो कंट्रोल होगी, एक को पकड़ता एक को छोड़ता है, वह पूरे शरीर को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है, जैसे अति पागलपन जिसे कहते हैं। डॉक्टरी इलाज में सब नॉर्मल है, समझ में नहीं आ रहा, वो भी आपने करवा लिया, स्वयं भी पढ़े लिखे हैं, तंत्र विद्या गंदी घर को बर्बाद करने के लिए की गई है, ओ बाबा, शमशानी विद्या का प्रयोग है, जी के चरणों से सेना पहुंच चुकी, पूर्ण आराम धाम से लगेगा, हमेशा ठीक रहेंगे, आशीर्वाद। क्या बात है यार, मतलब जो इंसान जो अपनी दिक्कत लेके आया है उनको पहले पता लग जाती है, और वो लिख के फिर उसका वो निवारण भी ऑन द स्पॉट ही कर देते हैं। सच में कुछ ना कुछ तो शक्ति है इनके पास, और तभी ऐसे सबको ठीक कर पा रहे हैं, सबकी जो दिक्कतें पहले जान पा रहे हैं। यही है ना, ये दिक्कत, क्या बात है यार, इसीलिए समस्या बन गई, दुबारा में जो रुकावट बन गई, अब माइक ले लो। अच्छा, जो विवाह में रुकावट बन रही वो इससे, ये लाइन से, इस पर कुछ जगह पर आप आउट ऑफ हो, सुधरो, भगवत भजन करो, बालाजी कृपा करें, और आज से ही सुधरो बहन, नहीं तो अगली बार हम बेइज्जती करेंगे, समझ गई? खुश रहो, जाओ। अच्छा, कुछ इनमें दिक्कत होगी, जो वो बैठी थी लेडी उनके बारे में कह रहे हैं, तभी उन्होंने बोला नहीं माइक में, नीचे वाली लाइन खतरनाक।
ये लाइन उनके मुझे नहीं पता ऐसा मुझे कहना चाहिए कि नहीं, पर क्या वो लाइन उनके करेक्टर को लेकर थी या फिर फैमिली को लेकर थी जो उन्होंने कही नहीं कैमरे पे, पता नहीं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। बच्चे तो रूप होते हैं भगवान का। क्या नाम है आपका? वन्या। बनारस की। कुछ खा पी कर आई हो? ठीक था। क्या आज्ञा है हमारे? क्या बात है, बच्चे बच्चे बच्चों के सवाल तो इनके माता जी हैं। काम हो जाता है। अब कम खाना। आपको श्लोक आते हैं? नहीं अभी नहीं आते। पापा का क्या नाम है? विजय महोदय। माता जी का? नहीं मालूम। सीता मौर्य। शिक्षा आई है क्या? कौन कौन आए हैं? आज मिलने आई है। ओ हमसे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हम मिल गए। थैंक यू। चॉकलेट नहीं चाहिए? ओ क्या बात है, क्या बात है, ये सनातन संस्कृति, क्या बात है। इस बच्ची को चरम रोग बनता है। ठीक हो जाए। अरे नहीं, इधर आओ। और तो पेरेंट्स ने सुझाया होगा किसी से कुछ चीज लेके नहीं खानी है, तब करके दिखा रहे। क्या बात है। अभी कौन है पापा इनके? शायद उन्होंने कहा ले लो तब लिया उन्होंने। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और वीडियो बहुत अच्छी थी। बट जो वीडियो का टाइटल था कि मेरी माताजी रात में सांप बन जाती है, वैसा कुछ इंसिडेंट देखने को मिला नहीं। हो सकता है पूरी वीडियो जो थी उसमें, मतलब पूरी जो ये कथा थी इसमें आगे कुछ हो, बट इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जो टाइटल में लिखा हुआ था। और जो सेकेंड जो लेडी आई थी इनके पास, जो दो बहनें आई थी, तो उनमें जो भूत प्रेत की बाधा थी और जो उनका परिवार उजड़ गया था उसके बारे में उन्होंने, जो गुरुजी ने पहले ही लिख दिया था, वैसे तो पहले ही लिख देते हैं, और उसके बाद उन्होंने लास्ट लाइन लिखी, वो कहते हैं हम माइक में नहीं बता सकते, आप स्त्री हैं और मर्यादा है गद्दी की। तो वो जो, जैसे मैंने भी वीडियो में पहले कहा कि हो सकता है कि, अब मुझे नहीं पता से कहना चाहिए, वो उनकी करेक्टर के बारे में लिखा या फिर उनकी फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में लिखा। और जो सबसे अच्छा है कि जो तीसरी ये जो बेटी आई थी, बड़ी खुशमिजाज बेटी थी, लास्ट में गुरुजी उनको फल दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया, और उसके बाद चॉकलेट दी तब भी नहीं लिया, और इसलिए नहीं लिया मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे घर वालों ने कहा हो कि कोई अनजान बंदा कोई चीज़ दे तो खाना नहीं है। पर जो बालाजी महाराज है उनके अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है, और जब उनका फेमस होना शुरू हुए थे, जो आपको पता ही है भारत के जो दुश्मन है वो भारत में ही रहते हैं, भारत तो रहते ही भारत में भी रहते हैं, जो हमेशा सनातन संस्कृति के ऊपर हमला बोलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके खुद के लोग हैं जिनको ये बुलाते हैं, और इनको पता होता है क्या लिखना है, या पहले ही सोशल मीडिया से उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने, इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि जो कि मैं, जो सच्चे बाबा जी हैं इनके ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है, हनुमान जी की, और इन्होंने सच में ये ठीक कर देते हैं लोगों को, उनकी दिक्कतें खुद ही जान लेते हैं और खुद ही ठीक कर देते हैं। और मेरा भी मन है जाने का, अब देखते हैं, जब बालाजी महाराज बुलाएंगे ज़रूर जाएंगे, और कृपा रही तो ये गुरु जी के पास भी जाके बैठेंगे इनसे, और हो सकता है कि जो दिक्कतें हैं वो इनका इनका गुरु जी निवारण कर दे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।